पहले आपको भी, और मैं माफी चाहती हूं कि आप तक पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई, परंतु कोशिश में बहुत कोशिश बहुत की, आपके रास्ते ही ऐसे खराब हैं। क्या रास्ते हैं, कोई कहीं टाइम में जाना चाहे तो पहले ही आपको बता देना चाहिए था कि हमारे रास्ते इतने हैं, इतने खराब है कि दो घंटे पहले आप चालू हो जाओ तब तो हो जाएगा काम। सब दूर गड्ढे, सब दूर मट्टी, माने ऐसे तो रास्ते हो, जब आपके सिटी के अंदर आ जाओ तो सिटी के ही सड़क, कहीं पानी भरा हुआ, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, वाह 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 उदयपुर पार्टी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माता बहने, इतनी देर के बाद भी आप लोगों ने यहाँ राह देख के इस गर्मी के अंदर इतना सारा प्यार दिया, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ सब मेरे भाइयों के, बुजुर्गों की, जिन्होंने अपना मान के चार घंटे रुक के, वैसे मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक, सो हम लोग सब, मैंने कहा कि सब लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाइयों और बहनों। वाकई में आपका ये प्यार है जिसके पीछे हम लोग कायल हैं। आप लोग ये प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, हमें और कोई चीज नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये आपका प्यार इतना हमारे लिए अमूल्य है, और इसी प्यार के ऊपर राजस्थान को एक करके, एक नया राजस्थान बनाकर, उस नए राजस्थान के विकास के रास्ते को नापने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। आप लोग तैयार हो? यहां मैं दो चार प्रश्न आपसे पूछने आई हूं। सबसे पहले पता करना चाहती हूं कि आपके शहर के अस्पताल के अंदर आपके डॉक्टर हैं? नहीं है। आपके महिला डॉक्टर हैं? और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको जाना कहां पड़ता है, सीकर या जयपुर? तो ये बताओ, तब तो मुफ्त दवाई कैसे मिलती है? मुफ्त मिलती है क्या? आज मैंने ये पढ़ा है कि मुफ्त दवाइयों की गुणवत्ता का नमूना उदयपुर बाटी में ही सामने अभी आया। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में कांच के टुकड़े निकले। अरे वाह उदयपुर बाटी वालों, कांच के टुकड़े अभी तो राजस्थान में कहीं नहीं निकले। यह आपका नंबर एक है। सबसे पहले अगर कहीं हो उदयपुर पार्टी के वासियों, आप लोगों के एंटीबायोटिक इंजेक्शन के अंदर कांच के टुकड़े कल निकलना अपने आप में एक इतिहास बनाएगा। यही टुकड़ों को हो सकता है कल के किसी अंदर चला जाए तो क्या होगा मरीज का? सीधे यह है मुफ्त जांच और मुफ्त दवा। मैं तो समझती हूँ कि ऐसी मुफ्त जांच या ऐसी मुफ्त दवा हमें नहीं चाहिए, हमें तो सही सलामत जिंदा अपनी बीमारी से निकलने की वो करना है। नंबर एक। नंबर दो, मैं पता करना चाहती हूँ किसी को बिजली मिल रही है उदयपुर बाटी में? जो सिंगल फेज बिजली मैंने माता बहने आप लोगों को दी, आपको मिल रही है क्या? सही बताओ कितने घंटे? 8-7 और ट्रिपिंग, और जो आप लोग बैठे हो यहाँ, आपको किसानों की जो बिजली मिलती है 3 या 4 घंटे 5 घंटे कितने घंटे मिलती है? तो ये तो मेरे को जयपुर में बताया कि 8 घंटे बिजली मिलती है, और आपको किसानों को अच्छा बीज, अच्छा खाद, सही टाइम पे मुआवजा, सही टाइम पे लोन, आप लोग सब चीज के ऊपर हाथ देते नारे। मेरे को तो ये बता दिया कि अभी अभी पाला और ओले पड़े थे तो उस समय पे किसानों से बातचीत करने के बाद बिजली के अंदर हमने दाम कम कर दिए और जोरदार एक मुआवजे का पैकेज आपको मिला दिया। नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, खाली अखबार अखबार में। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को लोन मिल रहा है क्या बिना ब्याज का? और किसी को 55,000, कोई अपना बीपीएल परिवार का या बैठा है उसको 55,000 अपना कमरा बनाने के लिए किसी को मिला क्या? मैंने अभी बीकानेर से जब मैं आ रही थी तो मेरे पास एक न्यूज आई कि 125
किश्त दे दी गई है, तो वो बेचारे अपना किश्त लेके नहीं, ये भिखारे की कहानी है, ये किश्त लेके गए, अपना मकान तोड़ दिया। इतने में बरसात आ गई तो दौड़े दौड़े कलेक्टर के पास गए कि हमारा दूसरा किश्त भी दे दीजिए, हमारा पहला किश्त खत्म हो गया, दूसरा किश्त उनको आज तक नहीं मिला। तो नतीजा ये हुआ कि पहला किश्त मिला, पहले किश्त के बाद उन्होंने मकान तोड़ा, अपना कमरा तोड़ने के बाद बरसात आ गई, सेकंड किश्त अभी तक नहीं मिला है, वो किसी के घर में किराए में रह रहे। तो ये हो गया बेचारों का 55,000 रुपए के कमरे का। और मैं समझती हूं कि बिना रिश्वत के वैसे भी किसी को नहीं मिल रहा है। लोगों ने मेरे को यही कहा कि रिश्वत दोगे सब कुछ ले जाओगे। यह आप लोगों से पता करना है, आजकल ये VCR का चक्कर चल रहा है, आपके यहां भी चल रहा है क्या? बता रहे हैं गांव में जाते हैं, बिल का पेमेंट भी जिसने कर दिया है उसको VCR पकड़ाते हैं और कहते हैं कि ये VCR के पैसे आपको देने पड़ेंगे, भले ही आपने बिल पेमेंट कर दिया हो कि ना कर दिया हो। एक एक लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख के बिल के VCR आप लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है। और मैंने घोषणा ये कर दी है कि सरकार अपनी आएगी तो जिन लोगों ने इस तरीके से लोगों का अन्याय किया है उनको दंडित किया जाएगा, और जो पैसे इस तरीके से लिए गए हैं चेकिंग करने के बाद लोगों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं कहना चाहती हूं। या कोई लोग हैं जिनको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है? तो कहा गया, अभी तो मेरे को ये कह रहे हैं कि हम तो इतना गेहूं देने वाले हैं, सब लोगों को जितना खाने के लिए मन है उसका भेजेंगे। मैं ये कह रही हूं कि इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता। नाम है गरीब का, पैसा गरीब के नाम पे आता है, सब अमीरों के जेब में चला जाता है, गरीबों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। और ये गेहूं आता भी है तो ढेर का ढेर पानी के अंदर खराब हो जाएगा, कहीं भी गोदाम नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, वो भी आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये लैपटॉप के ऊपर पैसे, ये आपके साड़ियों के ऊपर पैसे, ये आपके कुर्ता पजामा के ऊपर पैसे, ये आपके इतने सारे जो सौगाते दे रहे हैं उसके ऊपर पैसे देने का जो काम कर रहे हैं, इसका कहीं हिसाब किताब नहीं है, कहीं हिसाब किताब नहीं है। बजट के अंदर भी उसके लिए अलग से पैसे नहीं रखे गए हैं, लैपटॉप खरीदेंगे ये बोला है, और ये पैसा जो आएगा उसका हिसाब कौन रखेगा? ये सरकार तो नहीं रखेगी, क्योंकि सरकार इसको खाएगी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर राजस्थान के अंदर होगा तो वो ये भ्रष्टाचार है जो ये लैपटॉप के ऊपर, साड़ियों के ऊपर और गरीबों के ऊपर पैसा खाने का काम ये करने जा रहे हैं। इससे बड़ा पाप मैं समझती हूं किसी को नहीं लग सकता है। ये सरकार वापस नहीं आ सकती भाई और बहनों। जब हम लोगों ने तय कर लिया है तो हम लोगों को मिलकर आगे चल के एक नया राजस्थान बनाने का सपना एक दूसरे को सिखाना है। ये नया राजस्थान तो तब बन सकता है जब हम लोग तय कर लें कि सब जातियां, सब मजहब, महिला पुरुष सब लोग एक होकर एक साथ चलेंगे तो ये राजस्थान का विकास होगा। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि 53 साल मेरा समय निकाल के और भैरव सिंह जी का संभाल के 53 साल हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है, और कांग्रेस ने 53 साल में हम लोगों को इस हालत में छोड़ के रखा हुआ है। उधर 15 साल में गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया नरेंद्र भाई ने, उधर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये लोग हैं जिन्होंने अपने अपने प्रदेशों को 15 साल और 10 साल को आगे भेज दिया, और यहां ये सरकार है जिसने 53 साल के बाद खाने पीने को से फुर्सत नहीं पाके आप लोगों को इस गड्ढे के अंदर डालने का काम किया है। आपको याद होगा आपने मेरे को संभाली थी सरकार, उस समय खजाना बिल्कुल खाली था, हमारा मुखिया रोज सड़क पे घूमता था क्या हमारा खजाना खाली है, हम रोड नहीं बना सकते, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हम नौकरी नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कटोरा और हमारा खजाना खाली है। मैं सबको कहती हूँ खजाना सरकार का खाली नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी, और इसलिए राजस्थान में उन 5 सालों के अंदर उनने कुछ काम नहीं किया, और 5 साल के अंदर हम लोगों ने राजस्थान को फिर से अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया। आज जिस तरीके से वक्ता हो रहा है राजस्थान के साथ, या तो अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने के बाद हमको तनख्वाह ना मिले, ऐसी स्थिति राजस्थान की ना कर देना। मैं ये कहना चाहती हूं कि इन लोगों ने तो नंगा लूट करके रखा हुआ है राजस्थान का। और मैं ये अभी पढ़ रही थी तो शर्म आएगी भाई और बहनों जब आप सुनोगे इसको, अपराधों में देश में
दूसरे नंबर पर है राजस्थान। महिला दुष्कर्म में देश में पहला नंबर है राजस्थान। आदिवासी उत्पीड़न में देश में दूसरा नंबर है राजस्थान। एससी एसटी अत्याचार में देश में पहला नंबर है राजस्थान। और भ्रष्टाचार में देश में सबसे पहला नंबर अगर कुछ कर किसी का है तो वो है राजस्थान। अब आप बताओ ये स्थिति है। और बिजली की नोट सुन लो, इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन देने चाहिए थे, ये वादा किया था, मिले 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव का विद्युतीकरण किया था, किए सिर्फ 8 गांव, 8 भाइयों। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देना चाहिए था, दिए 6,000। तो ये जो भी वादे करते हैं तो किसी भी वादे पे खड़े नहीं उतरते। ये इलाका आपका डार्क जोन का है ना, है ना, तो ना तो आप गहरा कर सकते हो कुआं, ना नया कुआं कर सकते हो। परंतु मेरे को जो खबर आई है वो सब लोग मेरे को कहते हैं कि 1,00,000 की रिश्वत दे दो तो कुएं खोदो, 25,000 की रिश्वत दे दो तो उसको गहरा कर दो, रिश्वत दो सब काम करा दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान की सरकार बैठ के जनता के साथ, किसानों के साथ, बहुत अपने अपने आप इलाके के अंदर, अपने फील्ड के अंदर जो बहुत मशहूर है, उन लोगों को बुला के पानी के बारे में बातचीत क्यों नहीं करते, समझने के क्यों नहीं करते। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, परंतु नदियों को जोड़ना, पानी को ऊपर लाना, इन सब चीजों के ऊपर अगर ध्यान दे देते हैं तो राजस्थान के सबसे बड़ा संकट को हम पूरा कर सकते हैं। मैंने माता बहने सबको ये कह दिया कि आप लोगों के लिए मैंने अलग से लाइन दी थी बिजली की, और वो कोशिश मेरी थी जाते जाते कि 24 घंटे आपको हो जाए, जाते जाते 18 घंटे मैंने बिजली आपको दी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब अपनी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली आपको देने का काम हम करेंगे, आपको घरों के अंदर वो 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसी तरीके से ये पानी का, इसकी स्टडी हम लोग करा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल साफ और पर्याप्त पानी शहरों के अंदर, गांव के अंदर लाने की हम कोशिश करें। जहां जहां पाइप सड़ गए हैं पुराने होने की वजह से, जहां जहां टंकियां सड़ गई हैं और जिसका रिपेयर करने की जरूरत है या जहां नया बनाने की जरूरत है, पहले वो सब को ठीक किया जाए और फिर ताकि पानी उसमें से निकले तो पानी दूषित ना हो, लोगों तक पहुंचे, टेल तक पहुंचे और लोगों को मिले, ये कोशिश भी हमारी सरकार करने की पूरी कोशिश करेगी। उसके साथ साथ माता बहने हमने अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे 5 साल के अंदर 10,00,000 लोगों को नौकरी देने का हमने काम किया था। अभी मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, अरे 2,000 नौकरी, पटवारी की नौकरी के लिए लाखों लोग उस ट्रेन के ऊपर बैठ के, बसों के ऊपर चढ़ के और परीक्षा देने के लिए गए, लाखों लोग, 12,00,000 लोगों ने तो आवेदन किया और 7.5 लोग वहां चल के गए। इसका मतलब यह है कि पिछले 4.5 साल के अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है इस दिशा में। अगर नौकरियां दी गई होती तो आज हमारे बच्चों को ये देखने की जरूरत नहीं होती। और मैं सब बच्चों को ये कह रही हूं कि आज टेट के परीक्षा की वजह से बहुत सारे बच्चों को मुसीबत है, उसका प्रबंधन करते हुए आरपीएससी जिस तरीके से हम पहले व्यवस्था करते थे उस व्यवस्था पे अपन लोग फिर से वापस जाएंगे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिलने का काम फिर से हो जाए, उनको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत न पड़े। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये हम लोगों ने झुंझुनू और सीकर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी का काम किया था। मैंने अपने टाइम में पैसा भी इंतजाम किया था, आपका ओएसी भी लगा दिया था और ये सोचा था कि इस 5 साल के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन के खड़ी हो जाएगी तो हमारे कितने बच्चों को उसका लाभ मिल जाएगा। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है, एक वीसी बना जरूर दिया है और साथ साथ ये कह दिया है कि 2 महीने के लिए हमको बिल्डिंग किराए पे दो। इसका मतलब यह है कि सरकार 2 महीने से आगे मंशा नहीं रखती इसकी, ये चुनाव तक ले जाएगी और फिर चुनाव के बाद कहेगी भाई ठीक है देखा जाएगा क्या होता है। ये सब चीज जो भी ये सरकार कर रही है आज चुनाव को ध्यान में रख के करती है। मैं ये कह रही हूं कि 4.5 साल अपने को ये सब काम करने की जरूरत थी, अगर ये सब काम हो जाते तो आज हमको इस तरीके से बैठने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए माता बहने मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि आपके साथ भी अत्याचार हो चुके हैं। महिला हमारी जब बच्ची बाहर जाती है तो हमको डर लगता है कि मालूम नहीं ये बच्ची वापस टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी। आज ही मैंने देखा एक बेचारी छोटी बालिका
जा रही थी बीकानेर, बीकानेर के अंदर बस में चढ़ी तो बस में ही उसके साथ दुष्कर्म हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ रोज का किस्सा है, आज का किस्सा नहीं है, रोज का किस्सा है। और होम मिनिस्टर हमारा मुख्यमंत्री है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की महिलाओं की इज्जत को अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल हक नहीं है, उनको उस कुर्सी से उतर जाना चाहिए और वो समय हमारे लिए आ रहा है। ये सब लोग यहां बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि अब सौगातें बटने लगी हैं। आगे हम लोग आप लोगों के पेंशन मिल रहे हैं, आप लोगों के साइकिल के एवज में पैसे मिल रहे हैं, आपके उसके एवज में, साड़ियों के एवज में आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं तो सुनती हूं कि बहुत सारे और भी सौगातें कहने वाले हैं, बांटने वाले हैं लोग। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूं कि पैसा तो आप ही का है, ये सरकार आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है, ये आपको आप ही का पैसा बांट रही है। और मैं ये कहती हूं उनको ले लो, क्योंकि आप नहीं लोगे तो ये पैसा जाएगा उनके काले धन में, ये भ्रष्टाचार जो राजस्थान के अंदर हो रहा है उसके अंदर चला जाएगा और उसको फिर अपन रोक नहीं पाएंगे, इसलिए ले लो। परंतु जब अपन पहुंचते हैं वहां जहां हमारा सबका भविष्य है, ऐसे जगह पे याद रखना कि हम हमारे परिवार की, अपने परिवार की, अपने राजस्थान की सोच के उसी तरीके से अपना वोट देना, उसी तरीके से पार्टियों को लाना ताकि आगे चल के हमारा परिवार उससे फायदा ले सके। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूं कि एक व्यक्ति के हाथ में ये ताकत नहीं है। आप मेरी तरफ देखो या किसी और की तरफ देखो, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में ताकत नहीं है। परंतु अगर ये पूरा परिवार छूट जाता है, पूरे 36 के 36 गांव और सब मजहब अगर लग जाते हैं तो आप ही के हाथ में है वो जादू, आप ही के हाथ में है वो ताकत। अगर आप लोग सब चल जाते हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई आपका विकास नहीं रोक सकता है। सपना देखो, उस सपने को पूरा करने का काम करो और उस सपने को पूरा करने के लिए सबको लेकर चलो, तभी ये काम हो सकता है। आप क्या तैयार हो? तैयार हो? मैं पूछ रही हूँ, ये अंत में, ये आपकी भाषा में ही है, चेता, एका और खुड़का, यानी जागो और एक बनो और फिर परिवर्तन करो, तभी मैं समझती हूँ कि ये काम हो सकता है। क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? क्या आप चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने जो समृद्ध हो, जो अपने पैर पे खड़ा हो, जो खुशहाल हो और जिनके लिए और जिन हम सब के लिए जिनका भविष्य अच्छा हो? क्या आप लोग चाहते हो? अगर आप लोग सब ये चाहते हो तो एक जोरदार मेरे नाम नारा देना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं एक और याद दिला दूं, आपके यहाँ के मंत्री हैं, अब मंत्रियों से अपन क्या कर सकते, परंतु आपके मंत्री ने जितनी जमीन इकट्ठा कर ली है और जितनी जमीन इकट्ठा करते जाएंगे, ये सब बेचारे गरीबों की जमीन होगी, किसी से खरीदी तो नहीं है ना? खरीदी है क्या? अब बताओ भैया, खरीदी है क्या? नहीं खरीदी ना, तो ये तो जमीन मेरी किसी गरीब की होगी या सरकार की होगी? किसकी है? सरकार की भी है, गरीबों की भी है। अरे ऐसे लोग जब रक्षक हमारे भक्षक ही बन जाए, क्या ऐसे लोगों को वोट देके वापस लाना है? ऐसी पार्टी को वोट देके वापस लाना है? तो जब नहीं है तो अपन ने तय कर लिया, जब अपन ने तय कर लिया तो ये याद रखो, चेता, एका और खुड़का, और हम लोग मिलके करें इस बात को तो फिर तो कोई बात होगी नहीं, फिर वापस आ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। और इसीलिए एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान ठीक है तो हम ठीक है। एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, प्यार से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आओ हम सब मिलके एक नया राजस्थान बनाने का काम करें। आओ साथ चलें।